The first day of the second budget session of Lok Sabha has seen repeated adjournments after the government laid a copy of the land ordinance that was resisted by the United Opposition. The day also saw both Congress and Trinamool staging a walkout. After Rajiv Pratap Rudi laid a copy of the ordinance re-promulgated by the President on April the 3rd on the table of the House, there was utter chaos in the Lok Sabha. देखिए इसे आप चुनौतियां मानते हैं, हम इसे कतई चुनौती नहीं मानते हैं और ये प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सदन में बहस होता है, विधेयक पारित होते हैं और अगर राजनीति का स्थान सदन के बाहर है और वो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको दावे के साथ कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री और अपनी सरकार पूरी तरह से हम संकल्प रखते हैं कि जो किसानों के हित में होगा, देश के हित में होगा, उसे निश्चित रूप से हम आगे लेकर चलेंगे। Members of Congress left TMC, SPRGD and others stormed the well, raising slogans like withdraw the bill and down with the anti-farmer government. It's very clear that our party's position is that we will not accept these amendments. We made it very clear that as far as we are concerned, these are anti-people, anti-farmer. And the exact way in which we will manifest our concerns, you've already seen one step yesterday in the big Kisan rally. Now we'll see how we proceed in Parliament. Is ordinance ki zarurat nahi thi? क्योंकि ये ऑर्डिनेंस आप जबरदस्ती से इसको हम बार बार लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो ऑर्डिनेंस है, एक बार आप बिल के रूप में इस सदन में लाए थे, ये सदन उस वक्त भी हम सारे विरोध पक्ष के नेता लोग या विरोध पक्ष के सारे सदस्य और बहुत से उधर के सदस्य भी इसको अपोज किए और प्लीज ऑर्डर अपोज किए, इसके बावजूद भी ये पास हुआ और पास होने के बाद ये वहां पर राज्यसभा में चले गया। जब राज्यसभा में चले गया तो वहां के सदस्य वहां इसको पास नहीं होने दिया। पूरा अपोजिशन जो है वो इस बिल को मानता है कि देश के खेत और किसान के लिए गलत है, इसका विरोध पहले भी हो रहा था, अब भी होगा। सर, शुरू से ही आप इसके विरोध में रहे, आपने काफी बार पहले भी इसमें आवाज उठाई है, लेकिन जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम अमेंडमेंट कर ले हैं। मैंने आपसे कहा नहीं, वो सरकार ने तो लाया है जी। तो वो सरकार उसके मामले में क्या बोल रही है इसका कोई हमको मतलब नहीं। हमको मतलब है कि देश के खेत और किसान और मजदूरों के हक में नहीं है ये। लेकिन सर, अगर सरकार इसको दोबारा ऑर्डिनेंस को लाएगी ही लाएगी तो उसके ऊपर फिर आपका फाइनल वोट? अरे भाई, राजनीति में तो ये सब होगा। हम अपनी पोजीशन कर दी है साफ कि भाई है ना, हम इसको वाजिब नहीं मानते, ये ठीक नहीं है देश के लिए। Congress leader Mallikarjun Kharge even accused the government of bringing a law through the back door despite opposition by farmers and opposition parties. भूमि अधिग्रहण बिल का हम अपनी आखिरी सांस तक विरोध करेंगे, इसको पास नहीं होने देंगे, ये किसानों के खिलाफ है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ावा देने वाला है, इसकी जो कंसेंट क्लोज खत्म हुई है उससे किसानों के हाथ कट गए हैं। कॉर्नर का सवाल कहाँ से है जी? जनता हमारा साथ है, किसान हमारा साथ है, कोई विरोध करना चाहे तो विरोध करना उनका अधिकार है। हम जनता के हित में, किसान के हित में हम काम कर रहे। लास्ट टाइम भी लोकसभा ने 3/4 बहुमत से इसको पारित कराया। पावर्ड बाय NNIS।